तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम देवांग यादव है। स्वागत है आपका ब्रेन बूस्टर में। आज हम लोग नेचर रिकॉर्ड ब्रेकर के बारे में कुछ नॉलेज जानेंगे। किस तरह? स्वैग से। तो पहले हम लोग वेटली वाइल्ड लाइफ के बारे में जानेंगे। तो सबसे ज़्यादा वेट होता है ब्लू व्हेल का। साइंटिस्ट की अब तक जानकारी में सबसे ज़्यादा वेट है ब्लू व्हेल का, 180 टन्स। 180 टन्स होता है ब्लू व्हेल का वेट। और ये देखिए, इसे सबसे पहले दिखाया गया है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल को, फिर उसके बाद लिखा है क्लोजल सिक्विड को, फिर स्क्वाइड को, फिर अफ्रीकन सेवना एलिफेंट और वेल शार्क। इन सब का दिखाया हुआ वेट भी है, तो इसमें हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग नॉइजेस्ट एनिमल्स के बारे में जानेंगे। तो नॉइजेस्ट एनिमल में सबसे पहले आता है स्नैपिंग श्रिम्प, जो जब बोलती है तो 200 डेसिबल्स तक आवाज़ जाती है। फिर ब्लू व्हेल है, फिर वाटर बोट मैन है, फिर हॉल एवर मंकी है, फिर ऑयल बर्ड है। फिर इसके बाद आता है फास्टेस्ट और स्लोएस्ट। तो जो हमारा पूरी अब तक पूरे इस अराउंड में साइंटिस्ट की जानकारी में सबसे तेज है पेरेग्रीन फैल्कन, जो 350 किलोमीटर पर हार, मतलब 220 मील पर हार की स्पीड से चलता है। और ये जो चीता होता है, ये सेकंड नंबर पे है, जो 114 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलता है। उसके बाद अटलांटिक सेल फिश को दिखाया है, फिर प्रोंगहॉर्न को दिखाया गया है, फिर ऑस्ट्रिच को दिखाया गया है। अब हम लोग बात करेंगे स्लोएस्ट की। तो स्लोएस्ट में सबसे स्लोएस्ट है थ्री टोड स्लॉथ, जो 0.004 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलता है, मतलब 0.002 मील पर हार। फिर गार्डन स्नेल, फिर स्टारफिश, और ये जो जायंट टॉर्टोइस होता है ना, इसको हम लोग सबसे धीरे चलने को मानते हैं ना, यही इन सब में सबसे बड़ा दिखाया गया है। ये कम से कम 0.3 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलता है। फिर है जंपिंग क्रिएचर्स। तो इसमें सबसे बड़ी जंप मारता है स्नो लेपर्ड, जो 15 मीटर तक, मतलब 50 फीट जंप मारता है। फिर आता है अमेरिकन बल फ्रॉग, जो 2 मीटर जंप मारता है। फिर कंगारू रैट, ये भी 2 मीटर दिखाया है, दोनों सेम है। फिर जंपिंग स्पाइडर, स्पाइडर भी इतनी बड़ी जंप मारते हैं, 2.5 फीट, मतलब 0.8 मीटर्स। अब एनिमल्स लाइफ स्पैंस के बारे में हम लोग जानेंगे। तो लॉन्गेस्ट लिव्स, मतलब सबसे ज़्यादा रहने वाले में बोहेड वेल जो होती है, ये 211 ईयर्स तक रहती है। फिर उसके बाद अल्दाबरा टॉर्टोइस जो होते हैं, वो सब जो हैं वो 255 ईयर्स तक रहते हैं। और ये जो क्वीन क्वाखग लिखा है, मुलोसिक जाइंट, ये सब 400 ईयर्स तक रहते हैं। और इसमें जो जाइंट बैरल स्पोंग को दिखाया है, ये वो लगभग 2300 ईयर्स तक रहता है। फिर शॉर्टेस्ट लीव, तो जो हाँ ये ग्रास ऑस्ट्रिच होती है, ये वन डे तक रहती है। कितना कम, पहले दिन ही पैदा हो, पहले दिन के बाद ही मर जाओ। फिर ड्रोन एंट, ये 14 डेज तक रहती हैं। फिर ये जो बी होती हैं ना, ये 31 डेज तक रहती हैं। और जो ड्रैगन फ्लाई होती है, उसे इन सब में सबसे बड़ा दिखाया गया है, 121 डेज तक ये ड्रैगन फ्लाई लिव रहती हैं। फिर टॉल एंड स्मॉल, तो सबसे पहले टॉल की ओर पढ़ते हैं। तो टॉलेस्ट में सबको पता है, सबसे बड़ा जिराफ होता है, 6 मीटर लंबा होता है अपना जिराफ। फिर उसके बाद अफ्रीकन एलिफेंट है, फिर ऑस्ट्रिच, फिर मूस, फिर उसके बाद मैन को दिखाया गया है। फिर स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में हम लोगों को दिखाने के लिए एक पेपर क्लिप ली गई है, जो 3.2 सेंटीमीटर्स की है। तो उससे देखें तो ये जो मॉस रोफिटोर है, ये 0.005 सेंटीमीटर्स का होता है, और एमिनियो फ्रॉग जो होता है 0.8 सेंटीमीटर का होता है। ये जो हमारा पेडकोरिस फिश को दिखाया है,
ये 1 सेंटीमीटर की होती है, और ये ड्वार्फ स्पैरो गीको को जो दिखाया है ये 1.6 सेंटीमीटर की होती है, और इसे सबसे बड़ा दिखाया है बम्बलबी बैट जो 4 सेंटीमीटर की होती है। तो हम लोग पहले जाने वेटली वाइल्ड लाइफ के बारे में, फिर नॉइजेस्ट पर्सन के बारे में, नॉइजेस्ट एनिमल के बारे में, फिर फास्टेस्ट एनिमल के बारे में, फिर स्लोएस्ट एनिमल के बारे में, जंपिंग क्रिएचर्स के बारे में, फिर लॉन्गेस्ट लिव और शॉर्टेस्ट लिव के बारे में, फिर टॉलेस्ट एनिमल और स्मॉलेस्ट एनिमल के बारे में। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।